हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज हम बनाएंगे आलू की दो अमेजिंग सी रेसिपी जो बच्चों, बूढ़ों और सबको बहुत पसंद आती है। तो आज हम बनाएंगे प्लेन चिप्स और लेस। तो इसके लिए मैं प्लेन ब्लेड का यूज़ कर रही हूँ और मैंने नए आलू लार्ज यूज़ कर रही हूँ। आप इसके पतले पतले स्लाइसेस काट लीजिए। ये स्लाइसेस इतने ट्रांसपेरेंट होते हैं कि मेरी उंगलियां देखिए इसमें साफ दिखाई दे रही हैं, ये इतने पतले हैं। अब मैं डिज़ाइनर लेस काटूंगी, तो इसके लिए ले ली है मैंने डिज़ाइनर ब्लेड और इसको मैं मीडियम थिकनेस के चिप्स निकालूंगी, मतलब ना ज़्यादा मोटे और ना ही ज़्यादा पतले। देखिए हमारे मीडियम साइज़ के चिप्स भी तैयार हैं, ये ना तो ज़्यादा मोटे हैं और ना ही ज़्यादा पतले। तो इनको मैं दो तीन पानी में अच्छे से साफ़ कर दूँगी। मैंने लास्ट में इनमें फ्लेवर भी ऐड किया है, उन फ्लेवर का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो जब तक पानी पूरा साफ़ नहीं हो जाता तब तक आपको इनको धोते रहना है ताकि इनका पूरा स्टार्च निकल जाए। मैं इन और ये पानी भी हमने ठंडा ही यूज़ करना है, तो मैं इनको ठंडे पानी में डुबो कर 2 मिनट के लिए रख दूँगी। अब आप कोई भी नैपकिन पेपर यूज़ कर लीजिए या कोई भी कॉटन टॉवल, आपके पास जो अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हो। अब मैं पानी से इन लेज और चिप्स दोनों को निकाल कर टॉवल पे डाल दूँगी और इनको ड्राई होने थोड़ी सी देर रगड़ूंगी या थोड़ी देर छोड़ दूंगी, जिससे इनका पूरा पानी निकल जाए। यहाँ पे हमारा मेन मिशन है इस पानी को रिमूव करना ताकि आलू में कोई मॉइस्चर बाकी ना रहे। अब ऊपर से भी मैं इसमें डाल दूंगी नैपकिन और इसको अच्छे से प्रेस करके ताकि इनका अच्छे से पानी सोख ले। अब हमारे आलू बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, छूने पर मेरा हाथ गीले नहीं हो रहे। अब हम डाल लेंगे इनको फ्राई करने के लिए अलग अलग प्लेट में। और अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो मैंने तेल को पका लिया है, आप किसी भी ऑयल का यूज इसमें कर सकते हो। मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का यूज किया है और मैं इनको डीप फ्राई कर लूंगी गर्म तेल में। 2-3 मिनट बाद में मीडियम को कर दूंगी मैं, फ्लेम को मीडियम कर दूंगी ताकि ये अच्छे क्रिस्पी होने तक पक जाए। अब ये क्रिस्पी होने लगे हैं। और ये तेल में ऊपर तैरने भी लगे हैं, तो इसका मतलब ये पकने भी लगे हैं और क्रिस्पी भी होने लगे हैं। अब हम इनको ऑयल से रिमूव कर लेंगे। हमारे पोटैटो चिप्स रेडी हैं। इनको हम लगभग 1 महीने तक रख सकते हैं, आप इनको एयरटाइट कंटेनर में रख दीजिए। अब हम अपने लेस को भी डीप फ्राई कर लेंगे। इनको भी हमने सेम प्रोसेसिंग से डीप फ्राई करना है। देखिए इनका भी कलर चेंज हो गया है और फ्लेम को मीडियम करके इनको भी हम रिमूव कर लेंगे। ये भी हमारे क्रिस्पी हो चुके हैं। अब से दूसरा पोट भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे। अब हम देंगे इनको फ्लेवर। लेस को दूंगी मैं टेंगी टमाटो फ्लेवर। इसके लिए मैं इसमें डालूंगी नमक और इसको टोस्ट कर लूंगी।
मैं डालूंगी इसमें टमाटो सीजनिंग। ये रेसिपी, टमाटो सीजनिंग की रेसिपी भी मैंने शेयर की है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। लीजिए हमारे टेंगो टमाटो सीजनिंग चिप्स इज़ रेडी टू ईट। अब मैं डाल रही हूँ इसमें ब्लैक पेपर पाउडर और सॉल्ट। इन दोनों को मिक्स करके मैं इन चिप्स के ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी और इसको अच्छे से टोस्ट कर दूँगी। ये मुझे बहुत पसंद है, आप भी ज़रूर घर पे ट्राई कीजिए। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।